हेलो फ्रेंड्स, आज बना रहे हैं ये बची हुई रोटी की स्टफ्ड टिक्की। ये मैंने दो रोटी हैं जो कल की बची हुई थी, अब फेंकने का मन नहीं करता है, तो इस तरीके से मैंने तीन रोटी मैंने ये कट कर ली हैं। इस तरीके से पीस कर लें। ये मेरे ज्वार के आटे की रोटी हैं, तो थोड़ी ज़्यादा पतली हो गई हैं, तो आपकी गेहूं की होती है ना, तो उस तरीके से आप बना लें। तो ये हम उन टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताएंगे ताकि आपकी रेसिपी मेरी तरह बन सके, एकदम क्रिस्पी और सॉफ्ट। और आप ये नहीं कि ख़राब बने फिर आप बनाना ही छोड़ दें। तो इस तरीके से रोटी को फोल्ड कर लें, आप पूरा वीडियो देखें और मैं हर चीज़ का ध्यान रखूंगी ताकि आपको हर चीज़ बता दूं, ताकि आप भी हमेशा अच्छी चीज़ बनाएं। तो उन चीज़ों को मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ, वीडियो को लंबा भी नहीं करती हूँ इसीलिए, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो इस तरीके से कट कर लिया, उनको खोल लें पीस को, और ज़्यादा बड़े टुकड़े हैं तो उनको बीच से तोड़ लें ताकि बनाते वक्त हमें कोई दिक्कत ना हो। अब मैंने दोनों ही जो रोटियों के टुकड़े हैं उनको इकट्ठा कर दिया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और पानी के 2-3 चम्मच पानी लिया है ताकि एकदम वो सॉफ्ट हो जाए रोटी। अब इसमें मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर बनाया है। बस आप मटेरियल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है, ये लाल मिर्च पाउडर डाला है, और ये थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है। अजवाइन डाल दें, अच्छे से मिक्स कर दें। अभी ये मिक्स करने के बाद मुझे थोड़ा सा ये सूखा सूखा लग रहा है, क्योंकि वो सॉफ्ट होगा तो इसलिए मैंने और पानी डाला है। इससे क्या, देखिए अब पानी ज़्यादा डालने से क्या हो गया, वो कलर भी आ गया है, और थोड़ा रेस्ट करने के लिए उसको अलग रखते हैं ताकि रोटी पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब ये बॉयल आलू मैंने एक बड़ा लिया है, आप 2 ले लें 5 रोटी के हिसाब से। इस तरीके से मैश कर लें उनको ताकि कोई लम्स ना रहे। अब बना रही हूँ अच्छी खुशबू फ्लेवर के लिए मैं ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये लहसुन, और इसमें नमक डाल दिया है, हरी मिर्च डाली है, और इसको कूट लें। अब फैले ना चारों तरफ, इसमें नमक डाल दिया मैंने, तो आप ध्यान रखें जब आलू में नमक पहले से पड़ा हुआ है तो इसमें अभी नमक कम डालें। हमने लहसुन अदरक में नमक डाला था ना, इसलिए चिली फ्लेक्स डाल दें। और ये कटा हुआ मैंने बड़ा सा एक ऑनियन लिया था चॉप करके, वो डाल दिया। और ये मैंने ड्राई मैंगो पाउडर डाला, आपके पास लेमन जूस भी डाल सकते हैं आप, आधी चम्मच डाल दें आप। और ये मैंने चाट मसाला डाला, इससे क्या स्पाइसी अच्छा हो जाएगा। और ये हल्दी पाउडर डाला, रेड चिली डाली थोड़ी, मिर्च को आप ध्यान रखें कम खाते हैं तो कम, और खूब सारा धनिया डाल दें। तो इन सभी इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लें अच्छे से। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा प्लीज़, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपी लाए। और कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा लिख के ये आपकी कैसी बनी है ये टिक्की, और ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं आपके कमेंट से। अभी ये 2 चम्मच मैंने लिया है बेसन, अब इसको मैंने देखो बेसन को थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लें। अब ये बैटर को थोड़ा सा थिक रखना है, हल्दी डाल दी ताकि कलर बहुत अच्छा आए देखने में, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, तो मुझे कलर अच्छा चाहिए। अब इस तरीके से रोटी के जो टुकड़े हैं उनको रैप कर देंगे, और उससे क्या होगा, कॉर्नफ्लोर की जगह पे आप आटा मैदा भी डाल सकते हैं, या चावल सबसे अच्छा रहेगा, आप चावल का आटा डाल दें, उससे बहुत क्रिस्पी होंगी अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है ऑप्शन के तौर पे। ये मैं बेसन थोड़ा सा लगा दिया है रोटियों पे, आपको लग रहा है रोटी अगर सूखी है, इस तरीके से अच्छे से रैप कर दें तो वो क्या होगा, खुलेगी नहीं, जब हम सेकेंगे तलेंगे ना तो वो खुलेगी नहीं, तेल अंदर भरेगा नहीं। और ये बॉल जो हमने आलू की बनाई वो छोटी छोटी बनाए, ताकि ये बेसन भी लगेगा उसके ऊपर, रोटी की कोटिंग होगी तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो देखिए 8 टिक्की बनी है मेरी 4 रोटी में, तो आप उसी हिसाब से ये सामान बताया है, तो आप अपने ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर आप ज़्यादा कर लें। ये इस तरीके से मैंने सारी बना ली हैं, ये देखिए कितने अच्छी बन गई हैं, और आराम से ब्रेकफास्ट 3 से 4 लोगों का हो जाएगा इसमें।
तो बस बनाते वक्त ध्यान रखें ये बेसन को थोड़ा सा ऊपर लगा दें ताकि तेल ना भरे और कुरकुरी, और ज़्यादा जो रोटी का लेयर ज़्यादा ना लगाएं, नहीं तो क्या बहुत वैसा हो जाएगा, मतलब मोटा मोटा, और मीडियम फ्लेम पे पकाएं। अच्छा, कुकिंग करते वक्त ध्यान रखें बहुत फ्लेम तेज ना हो, उससे क्या होता है ऊपर तो क्रिस्पी हो जाता है, अंदर से वो आटा जैसा निकलता है, अच्छा सिकता नहीं है। तो हमेशा बर्तन तला हो बर्तन का वो हैवी लें और मीडियम फ्लेम पर पकाएं, और जल्दबाजी ना करें। देखिए अब कितना, अब मैंने तो स्किप किया है ना थोड़ा सा वीडियो, बार बार टर्न करते जाएं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने पूरा नहीं दिखाया। तो बस धीमे धीमे सेकें मीडियम फ्लेम पे और पलटते जाएं उसको, और इस तरीके से निकाल, इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं गया, कलर भी अच्छा आया और अच्छा से मतलब सीख गया। देखिए कितना प्यारा कलर और बहुत क्रिस्पी बनी हुई है। तो बस छोटी बनाएं, ज़्यादा बड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से उसमें लगा दें कोटिंग बहुत अच्छे से कर दें, तो एक नया नाश्ता मिलेगा और देखने में भी अच्छा, और आपकी बची हुई रोटियों का भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो बस जो घर के सामान से, कोई ज़्यादा सामान भी नहीं, आलू तो सबके पास होते ही हैं। तो इस तरीके से अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ खुद, ये देखिए ये तोड़ के भी दिखा रही हूँ ताकि ये देखिए अंदर कितना स्पाइसी मसाला भरा हुआ एकदम मज़ेदार बनी हुई है टिक्की। ये देखिए खा के बहुत अच्छी बनी बनी है, आप भी बनाइए। थैंक यू, बाय।